बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के कटलेट्स की रेसिपी, इसको आलू के कबाब भी कहते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आए स्टार्ट करते हैं कटलेट्स की रेसिपी को। ये हमने बोल लिया, एक किलो आलू हैं जो मैंने बॉयल करके इनको मैश करके रख दिया था। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको ऐड करेंगे। और हमने ये 4 से 5 इसे पुदीने की उंगली जली ली है और धनिया है और 4 अदद हमने हरी मिर्ची ली है। हमें धनिया डाल देंगे और 4 अदद हरी मिर्ची ली है वो डाल देंगे और पुदीना को कट करके डालेंगे। पुदीने की क्वांटिटी हमने इसलिए कम ली है, पुदीने से कहना कड़वास ही आ जाती है। अच्छा, मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ कि मिर्चे और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। ये मैश हो चुका है, हमने एक अंडा बॉईल लिया है। अब हम इसको चॉप कर चुके हैं, इसको और बारीक चॉप करेंगे। ये देखिए इस तरह हो गया है चॉप। अब हम बनाएंगे कबाब। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडा और हम इस तरह इसको फिल कर देंगे। अब हम ये सारे ऐसे ही करके बना के रख देंगे। मैं आपको दो करके दिखाती हूँ, दो बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे आलू के कटलेट्स रेडी हैं। अच्छा, ये 1 किलो आलू में हमारे 10 कटलेट्स बने हैं और ये ज़्यादा पतली नहीं होती, ये मोटे होते हैं, इनको मोटा ही बनाइएगा। मतलब जैसे पतले मत करिएगा, पतले में फ्राई में ही फट जाएंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये एक पैन है, हमें ऑयल ले लिया है हमने। अब हम इसमें एक तरह अंडे में पहले डिप करेंगे इसको। अच्छा, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम ऑयल नॉर्मल लेंगे, ये डीप फ्राई में ही फट जाएंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन शेप दिख रहा है इसका। हम इसको बड़ी प्यास से उठाएंगे। ये प्यास से रहे हैं, अगर एक भी फट गया तो सारा हमारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। Hmm.
हम दूसरे साइड को भी एक से दो मिनट तक के पकाएंगे। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं और हम आपको इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और ये हमारे आलू के कटलेट्स रेडी हैं। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट और आगे शेयर कीजिएगा इसको। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चला अल्लाह।